ये है रेड वाइन। ये रेड वाइन है? बिल्कुल। ओ भाई ये देखो एकदम लाल लाल है। ये है जैसे फ्रूट बियर। हाँ जी, ये रेड बियर फ्रूट बियर। भाई नशा हो गया तेरे को? ओ तो वेलकम बैक टू आर यू हंग्री गाइस। कैसे हो सारे के सारे? आई हो बढ़िया होगे। तो भाई आज मैं आपको पिलाने वाला हूँ रेड वाइन। अरे भाई चिंता मत करो, उसके अंदर अल्कोहल नहीं डालूंगा। और आज हम पिलाएंगे आपको एकदम सेहत वाली रेड वाइन, आप ये कह सकते हैं। कहाँ है? आज हम आए हैं फरीदाबाद में, अपोजिट सिटी स्पाइस ब्रांड के जस्ट। और आज आपको पिलाने वाले हैं रेड वाइन। तो चलिए अंकल जी के पास ही चलते हैं। हमारे अंकल जी जो बनाते हैं यहाँ पे फरीदाबाद में रेड वाइन। अंकल बिना अल्कोहल वाली होगी ना? खूनी जूस। इसे कुछ लोग खूनी जूस के नाम से जानते हैं। ओके कुछ लोग रेड वाइन के नाम से जानते हैं। ओके कुछ लोग इसको पाकिस्तानी डिश के नाम से जानते हैं। अच्छा, जो पाकिस्तानी डिश के नाम से जानते हैं वो पाकिस्तानी है। ओह भाई कुछ लोग इसको रेड वाइन कहते हैं। हाँ जी, कुछ लोग पाकिस्तानी डिश कहते हैं। ओ, पर हमने जो सुना है इसको पाकिस्तानी डिश से ज्यादा फेमस है। अच्छा, जो पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग आए थे। हाँ जी, तो वो ही कांजी का ज्यादा सेवन करते थे। और सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होती है। सेहत के लिए तो बहुत बेनिफिट है, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ये एक सबसे बड़ा खून को साफ करती है। खून को साफ करती है? ये खून को साफ करती है। ओके जी, सबसे ज्यादा सबसे मेन काम इसी का यही है। इसका जो मेन सिस्टम है। हाँ जी, ये खून को साफ करती है। ओके, इसमें क्या है, मसाले ऐसे होते हैं जो शरीर को बड़े बेनिफिट देते हैं। ओके, और ये किस में रखते हैं ये आप? ये इसी चीनी बर्तन में लगाया। चीनी बर्तन में रखते हैं इसको? प्लास्टिक के बर्तन में लगा सकते। ओके जी, तो मेन इसका काम इसी में बनेगा। मेन बेनिफिट ही इसका है। और कितने दिन लगते हैं इसको बनने में? इसको बनने में कम 10-12 दिन। कम से 10-12 दिन? कम से कम, कम से कम। हाँ। और जितना ज्यादा रखो उतना बढ़िया होती जाएगी। जैसे गर्मी बनती जाएगी। ओ भाई साहब एकदम अंकल जी बता रहे हैं जैसे रेड वाइन है, बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो बनाएंगे अंकल जी हमारे लिए ग्लास? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई ये डाल गए। अच्छा भाई, गाजर वो क्या बोलते हैं, गाजर है ना? काली गाजर। काली गाजर एकदम वाइन जैसा ही लग रहा है अंकल। बिल्कुल है ही वाइन। ओह रेड वाइन, रेड वाइन क्या रहा है? ये देखो मिक्स भी कर देते हो। कुछ लोग तो गाजर गाजर लेते हैं स्पेशल। स्पेशल आपसे गाजर? हाँ, काली गाजर। काली गाजर गाजर लेते हैं। अंकल ने लिख भी रखा है यहाँ पे काली गाजर की कांजी, मात्र 20 रुपए का ग्लास है। और एकदम देखिए काली गाजर का है और रेड वाइन जैसी ही लग रही है। क्यों अंकल जी, कितना टाइम हो गया आपको बनाते हुए? तो 4 महीने हुए हैं। तो ये कह सकते हैं कि आप फरीदाबाद के यहाँ के राजा हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बनाता है काली गाजर की। ना कोई नहीं बनाता फरीदाबाद में काली गाजर का, कोई नहीं बनाता। अगर आपको अंकल जी की रेड वाइन पीनी है ये देख लीजिए, यहाँ पे बनाते हैं। अभी ट्राई भी करेंगे। और कुछ भी रखते हो? कांजी वड़ा। कांजी वड़ा भी है? बिल्कुल। ओ भाई देखो, आप फरीदाबाद में जितनी भी जगह घूम लोगे ना, बहुत कम जगह आपको कांजी वड़ा मिलेगा। और स्पेशल मटकों का जादू है सारा। ओ देखो भाई ऐसे देखो, कलर तो मैंने कहीं देखा ही नहीं। अंकल ये कलर पीला कैसे हो गया? ये पीला इसमें राई होती है। राई का पानी है ये? राई का पानी। ओके, राई के लिए तो सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। राई जो होती है हमारे सेहत के लिए बहुत बेनिफिट देती है। हाँ जी, ये एक इसमें मूंग दाल का वड़ा होता है। मूंग दाल का वड़ा? मूंग दाल का वड़ा होता है। ये देखिए जो मूंग दाल का वड़ा होता है ये पूरे हाजमे के लिए बड़े बेनिफिट करता है। हाजमे के लिए? बिल्कुल। आप जो भी कुछ खा लो। हाँ जी, ये एक ग्लास पी लो पूरा हाजमा आपका बढ़िया कर देगा। ये देखो भाई बढ़िया तरीके से कांजी वड़े का पानी है। कांजी में घुस गया वड़ा। कांजी में घुस गया वड़ा है। नाम बदलेगा कांजी वड़ा। कांजी वड़ा। ओके, और ये सारे मटकों में ही रखते हैं अंकल जी। इस वाले मटके में क्या है? ये है जैसे फ्रूट बियर। हाँ जी, ये रेड बियर फ्रूट बियर। अच्छा, रेड बियर फ्रूट बियर। ओके, और रेड वो है रेड वाइन। ये है रेड वाइन। ये है रेड वाइन। ओके जी, तो भाई बढ़िया जो आ रहा है तो इसको ट्राई भी करते हैं जी। किसी को जैसे ऑर्डर करना हो वो भी हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम पैकिंग है हमारे पास। अच्छा, पैकिंग भी है? पैकिंग है। अच्छा, नंबर बोल दीजिए एक बारी अपना। 9210653101। ओके, तो इस नंबर पे कोई भी कॉल करेगा अगर रास्ता नहीं मिल रहा बता दोगे आपकी दुकान तक कैसे आना है? बिल्कुल बता दें। तो एक बारी भाई जी, तो बड़ा फेमस है वैसे भी। अच्छा, ये चौराया बड़ा फेमस है। ओके, भाई पार्क के बिल्कुल साइड में। Okay. समझ गए। अभी हमारी यहाँ पे रेड वाइन बन रही है। अभी हमने कम वाली ली है क्योंकि हमें कम वाली चाहिए। एक कम वाली देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाली। हाँ। ओ भाई चलो ठीक है, ये तो है कम वाली। ओके ठीक है जी। हाँ जी,
और ये है स्ट्रॉन्ग वाली, ये स्ट्रॉन्ग। इसमें और इसमें आपको अंतर नजर आ रहा होगा भाई साहब एकदम, ये तो कुछ गाड़ी गाड़ी है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग है एकदम बढ़िया तरीके से ना, गाजर बढ़िया तरीके घुट चुके हैं इसी के अंदर। ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये लाइट है। देखो ये देखो ना दोनों में अंतर, सही बात है भाई दोनों में अंतर पता लग रहा है। हाँ तो यहाँ पे तो हमने अभी कम लाइट वाली ले लिया भाई साहब, देखने में ही लग रहा है एकदम वाइन जैसा देखिए। और जैसे कि बता रहे हैं कि भाई सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया होती है, एक बार ही पीना तो बनता है, अपने फरीदाबाद के अंदर ही है। तो भाई इस वीडियो को ना शेयर करना ना भूलें क्योंकि आप शेयर करते नहीं हो। चलिए इसको ट्राई भी करते हैं एक बार, कर लूँ बहुत समय यार। सीधा एक गले से जैसे गई है ना पेट तक, पूरा पता लग रहा है कैसे गई है, एकदम बिल्कुल वही टेस्ट है और सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। तो हम तो यहाँ पर ख़त्म करेंगे, ऋतिक भाई भी पिएगा अभी। तो ऋतिक भाई आप भी ट्राई करो रेड वाइन, रेड वाइन नशा तो नहीं हो जाएगा भाई, नशा हो गया तेरे को? ओ आंखें देखो स्पाइसी लग रहा है थोड़ा, और गले पे एक बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट है इसका, जो गले पे फील होता है तुमको भाई। सुबह से मतलब गला बैठा हुआ था और अभी एक घूट से ही मतलब गला खुल गया। मेरे को तो पर्सनली दिक्कत होती है गाना वाना गाना होता है, हाँ। गला बैठा होता है, तो ये तो बेस्ट चीज़ है भाई, बढ़िया चीज़ है ना, बहुत बढ़िया। तो भाई जल्दी जल्दी आना पड़ेगा अंकल, मौसम भी होता है इसका कुछ? हाँ जी, कि मतलब ये अभी कुछ भाई है इसके तो, ये तो 20 दिन रहेगा, होली के बाद इसका मौसम खत्म हो जाता है। अच्छा ये वैसे होती कहाँ, ये सर्दियों के लिए है क्या? ये लास्ट सर्दी के लिए। हाँ जी, और फर्स्ट गर्मी के लिए, फर्स्ट गर्मी के लिए बस। हाँ, जब ही मिलेगा। हाँ, इसका ना 4-5 महीने का आता है। ओके, दिसंबर से लगभग 10 दिसंबर से गाजर आ जाती है। हाँ जी 10 दिसंबर। हाँ जी हाँ जी, और लगभग होली तक इसका रहता है, होली के बाद इसका खत्म हो जाता है। तो भाई अंकल की जिस जिसको रेड वाइन पीनी है तो भाई जल्दी आना पड़ेगा क्योंकि अभी मौसम के हिसाब से है। तो हम तो ले रहे हैं यहाँ पे इंजॉय, अगर आपको भी आना है तो एक बारी लोकेशन फिर से बताते हैं जी। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने है चिमनी भाई चौक, जस्ट आप इधर सीधा आएंगे सिटी स्पाइस के अपोजिट में लगाते हैं यहाँ पे अंकल जी, और यहाँ पे दिख भी जाएगा आपको काली गाजर की कांजी। तो इसी तरह ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें बिना मत जाना, फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब्द है।